अली भाई अगला सवाल है मैंने अपने बचपन में एक ज़िम्मेदार ब्रैलवी आलम और मनाजर मौलाना सईद अहमद असद हफि की ज़ुबानी एक वाक़ा सुन रखा है जिसकी तस्दीक अली भाई से मतलूब है क्या ये वाक़ दुरुस्त है कि सईद न मूसा जब मिस्र से शाम के लिए निकले तो अपने साथ हज़रत यूसुफ आल्लम का जिसम मुबारक भी खबर अकदस से निकाल कर हजरत को रवाना हुए थे प्लीज़ वजाहत फ़रमा दें ये जो अधिसरों ने बयान किया है ना इस वाक़े का जिक्र किया ये बिल्कुल सही सना से साबित है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ है ये वाक़ आपको अलमस्तदरकिल हाकिम में भी मिल जाएगा सही सनत के साथ इमाम हाकिम ने इस हदीस को इमाम बुखारी की शर्त पर सही कहा है इमाम ज़ह़बी ने भी उनकी मवाफकत की है यह हदीस जो है वो मुसनद अबियाला में भी मौजूद है सही सनत से सही इबन हिब्बान के अंदर भी मौजूद है ये हदीस तफसीर इबन कसीर में भी मौजूद है तफसीर कसीर में जो सूरे की आयत नंबर है, है, है कि हमने मूसा को वही की कि कि तुम रातों रात मेरे बंदों को वो छह लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहाँ से लेकर निकल जाओ बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे वो पीछे आए तो समुंदर में अल्लाह ने रास्ता बना दिया बनी इसराइल तो निकल गए और उसी रास्ते में जब फिरोनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए कुरान में आता है तो तबाओ बर्बाद कर दिए गए तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये सूर्य अश पारा नंबर उन्नीस आयत नंबर फिफ्टी टू के कॉन्टेक्स्ट में इमाम अब कसीर इस हदीस को लेके आए हैं जो हाकिम के अंदर मौजूद है कि नबी वसल्लम किसी गांव एरिया में तशीफ ले गए तो वहां पे एक देहा शख्स था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की आप बड़े खुश हुए आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना दावत दे दी उसके लिए तो ऑनर की बात थी कुछ अरसे बाद वो नबीम को मिलने के लिए आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की एक तो बदरा उतर गया फिर आपने एंड पे फरमाया मांग क्या मांगता है उसने कहा रसुल्ला एक ऊँट चाहिए जिसपे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें हाँ उस पर कजावा भी होना चाहिए यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों और दो चार बकरियाँ मिल जाए जिनका दूध दो के मैं अपना और अपना फैमिली का सिलसिला चला लूं यार उस जमाने में बस सब सिस्टस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का जरिया होता था ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं था गुजार सकता गंदम के दाने साल के दाने पूरे हो जाए दूध के लिए बेड़ बकरी रखी है अल्लाह अल्ला, खैर सल्ला। और कोई काम ही नहीं है ये जो आसाइशें इनकी वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी एक ऊंट और चंद बकरियां मांगी और किससे मांग रहा है अल्लाह के नबी से जिनसे आप कुछ भी मांग सकते हैं वो अल्लाह से लेके दे सकते हैं तो नबी सलाम फरमाया ओए तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़ी अच्छी रह गई है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से तो इससे बहुत बड़ी चीज मांग ली थी अच्छा तो साहब ने कहा या रसूल अल्लाह वो बुढ़िया का क्या किस्सा है तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो रास्ता भूल गए तो अज़र मूसा ने जो बनी सराईल के उलमा थे ना उनको बुलाया उनसे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है तो उन्होंने फिर बताया कि हजरत बात यह है कि हजरत यूसुफरत की नस्ल से थे ना आगे बनी सराईल में से थे ना हजरत मूसम इन दोनों के दरमियान आलमोस्ट चौदह सौ साल का फासला है हजरत यूसुफ और हजरत मूसी इस्लाम के दरमियान तो हज़रत मूसम को उन्होंने कहा कि जब हजरत यूसुफ़ इस्लाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था कि जब कभी भी तुम वापस मुल शाम गए ना क्योंकि असल इनका वतन तो शाम था वो तो हज़रत यूसुफ़ इस्लाम सूर यूसुफ़ में आता है ना कि बिख के वहाँ तक पहुँचे फिर अल्लाह ने वहाँ उनको मरतबा दिया तो बनी इसराइल वहाँ पर शिफ्ट हो गए लेकिन याद तो अपने वतन की सताती थी इनको यह भी पता था कि अल्लाह ने वही के जरिए बताया होगा कि अल्टीमेटली आप इब्राहिमी मस्कन की तरफ दोबारा जाएंगे तो इन्होंने याद लिया था कि जब तुम लोग यहाँ से शिफ्ट करो ना तो मेरी लाश भी कवर से निकाल के ले जाना मुझे वहाँ पर योशलम में दफन करना है जो मेरा अबाई जगह है मूसम ने कहा ओहो ये तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा यूसुफ यूसफ अल्लाम तेनाल खड़ना मैणा है क्योंकि अल्लाह की तरफ से हो रहा था उनका अच्छा ठीक है जी बताओ कबर की तरह उनका जी कबर भी नहीं पता हमें क्योंकि उस जमाने में मजार नहीं होते थे पॉइंट टू बी नोटेड मजार तो नहीं और यूसुफ अलैहि सलाम तो बहुत बड़ी शख्सियत थे उनका बहुत बड़ा मजार होना चाहिए था वहाँ वजीर खुराक रहे थे वो उन्होंने कहा जी एक बुढ़िया है जिसको कबर का एड्रेस पता है लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो मैं उसके साथ निगोशियेशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कबर की हजलाम ने कहा ठीक है बात कर लेते हैं तो कहा अम्मा बता उन्होंने कहा इस तरह नहीं है मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा हज ने कहा इसका मुआवजा क्या वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई पैसे कोई माल कोई बकरियां कोई ऊंट जिस तरह इसे आप ने अभी मांग लिया उन्होंने कहा जी मुआवजा यह है कि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूंगी हजरत <laughs> मूसा का रंग वक् हो गया चेहरे पे नागवारी के आसार आ गए कि ये क्या मांग रही है फिर दूसरा ही मेरे इख्तियार में भी नहीं है तो हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह तला ने उसी टाइम हजरत मूसा को वही की कि आप कमिटमेंट कर लें इसके साथ ओए हाय हाय देने वाला तो अल्लाह है ना जी तो मूसा ने कहा ठीक है इसलिए हजूर ने उस अराबी को कहा और यार तू तो उसे तो बुढ़िया अच्छी गई यानी तू मुझसे जन्नत में मेरा पड़ोस मांग लेता मांगी तो दुनिया की एक दिन समुद्र रबिया क्या मांगता है वो भी तैयारी करके बैठे थे उन्होंने कहा यार्ला जन्नत में आपका पड़ोस हो सकता है इस वाक्य के बाद ये हुआ हो उन्होंने की बात सुनी हुई हो मुमकिन है तो आप और भी कुछ मांग लें उनका नहीं, यार इसके तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आपने फिर मैं कसरत से मेरी मदद कर यानी अल्लाह की इबादत कर कसरत के साथ मेरी शफात भी तेरे काम आएगी अल्टीमेटली तुझे जन्नत में मेरा प्रोस मिल जाएगा इन शह बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी बुखारी में अजीस है कि एक सियाबी है उनका यारस क्यामत आएगी आपने फरमाया कि कोई क्यामत के लिए तूने तैयारी भी की है तो उसने कहा यार मैं तो बस मोटे मोटे दीन पे चलता हूँ फ्राइज पूरे करता हूँ कोई एक्स्ट्रा नफली बातें मेरे पास नहीं है हाँ मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो आपने फरमाया फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे हजरत अनस ने मालिक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद रसुल्लाह के किसी फरमान से हमें इतनी खुशी नहीं हुई

साथ क्या मत वाले दिन नसीब फरमा आमीन हम भी दुआ करते हैं कि गो हमारे अमाल भी साहबा और अहैत वाले नहीं हैं तब भी अल्लाह ताला महज़ अपनी रहमत से अपने इस्लाम की शिफात से हमें उन मुबारक हस्तियों का पड़ोस क्या मत वाले दिन नसीब नसीफ़र आमीन फोर अच्छा तो अब वो बुढ़िया ने कहा कि जी मैं आपको पता बताती हूँ अब वो बुढ़िया जनाब उनको एक तालाब के ऊपर ले आई हदीस के अल्फाज हैं वो तालाब भी बिल्कुल सब्ज हो चुका हुआ था यानी बहुत पुराना तालाब था कोई इतने यूज में भी नहीं था कोई समझ लिया आजकल जिस तरह कीचड़ वाला कोई जोहड़ होता है उसने कहा जी इस पानी इसका ना तालाब का बाहर निकलवाएं इस तालाब को खुश्क करें तो तालाब खुश्क किया गया तो उसकी बेसमेंट के अंदर उसने ना एक जगह लोकेट की कि यहां पे आप खोदें यहां पे उनकी कब्र है, है किसी लब सी उस माने गायब ही नहीं सी होता नहीं तो लब जाता ठीक है बुज़ुर्गों कहते हैं ना इल में गायब है वो जब तक अल्लाह ना बताए तो पैगम्बर को भी नहीं पता चलता तो खैर वो कब्र खोदी और हदीस के अल्फाज हैं कि उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का जसद अनवर निकाला तो फिर बनी इसराइल के लिए जो है ना रास्ता बिल्कुल वाज हो गया फिर वो अपने सफ़र पर चल पड़े तो ये हदीस है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का जसद अनवर वहाँ पर शिफ्ट करने की बात है लेकिन इस सदीश के अंदर एक इश्काल भी है मैं उसको क्लियर कर दूं इस सदीश में अल्फाज हैं मूसलाम ने कहा वस्तखरिजू वस्तु यूसुफ यूसुफ की हड्डियों को यहां से निकालो इसकी वजह से बाद लोग ये कहते हैं कि जी ये तो यूसफ्लाम का तो जिसम सलामत नहीं था वो तो हड्डियाँ शिफ्ट की गई हैं शेख अल्बानी रही तिलसर अदीस सयाह में लिखते हैं कि मैं बड़ा अरसा परेशान रहा कि हमें तो सही अदीस की रोशनी में ये बात पता है इवन कुरान से भी इशारा मिलता है मैं बाद में बताता हूँ आपको कि अंबिया के जिसमों को मट्टी नहीं खाती है तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ यूसफ्लाम के हड्डियों का ढांचा वहाँ पर हो तो कहते हैं मेरा मसला हल हुआ जब मैंने सुर नबी दऊद में वो हदीस पढ़ी ना हज़रत तमीम दारी ने कहा यसूल सल्लाम आप यानी खड़े होकर खुतबा देते हैं तो मैं आपके लिए एक मिंबर ना तैयार करवा दूं, जिस पे आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया करें तो उसमें पता क्या अल्फाज है वो कहते हैं यह मिलो मक उस मिंबर पे आप अपनी हड्डियाँ रख सकें होना तो चाहिए था जिसम रख सकें तो अल्बानी कहते हैं कि वो मुझे पता चला कि ये अरब के लोग मुहावरता ये लफ्ज बोलते हैं यही वो जिसम हड्डियों जिसम, जिसम के लिए हड्डियां इस्तेमाल करते हैं ठीक है जैसे हमारे जिसम में दर्द हो तो हम क्या कहते हैं मेरी हड्डियां टूट रही हैं इसका यह मतलब टूट रही हैं जिसम में दर्द है बिरयानी खाई है तो सीने में आग लगी हुई है उससे मुराद वो फायर नहीं होती ये मुहावरतन तो कहते हैं उससे आप यह भी कह सकता था यार जिस पे आप आराम कर सके उसने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए कि आपकी हड्डियां आप अपनी हड्डियां उस पर रख सकें तो हड्डियां को रख सकता है बाकी इसको स्पोर्टिव हदीस है जो सुनबी दऊद में सुन नसाई में और सुनबिन माजा में है मिशकात में मौजूद है सईदना औस बिन औस रदील तसै के नबीसलाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन जो है वह तुम्हारे अयाम में सबसे बेहतर है इसी दिन आदम पैदा हुए इसी दिन वह फौत हुए इसी दिन सूर फूका जाएगा तुम जुम्मे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ो बेशक तुम्हारा दरूद मुझ पर पे पेश किया जाएगा तो साहबा ने कहा कि यारसूल जब आप मर जाएंगे और आपकी हड्डियाँ मट्टी में घुल मिल जाएंगी जरा तो अल्फाज सुने उस जमाने में इस तरह गुस्साखी का फतवा नहीं लगाता था जवाब दिए जाते थे तो आप पे दरूद कैसे पेश होगा ये तो नेचुरल प्रोसेस ऐसा होगा तो नबीलाम ने फरमाया अब देखें इसकी बरकती हुई कि अकीदा पता चल गया। आपने फरमाया कि दिया है मट्टी के लिए कि वो के जिस्मों को खाए नबियों के जिस्म मट्टी नहीं खाएगी वो उनकी के बाद भी कब्रों में सलामत रहेंगे सही सनत के साथ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह त कौल है जो उन्होंने नकल किया उन खाली कॉल निकल के वो पूरी हदीस मुसनफ इन ने भी शाबा में ऐसा है कि जब ये पर्शियन अम्पायर गिरी ना तो तुस्तर शहर था पर्शियन अम्पायर का जब वो फतह हुआ ना तो अब मुसाशि रदी अल्लाह तुमने हज़रत उमर को ख़त लिखा कि यहाँ पर हमने खजाने को जब टेक ओवर किया तो यहाँ में एक बहुत बड़ा ताबूत मिला है जिसमें एक बहुत बड़ी लाश है और वह लाश इतनी बड़ी है कि एक हाथ तो सिर्फ उसका नाक है ये नाक का साइज़ जो है ना वो डेढ़ फुट के करीब है तो अब आप देख लें कितनी बड़ी लाश है और यहां के लोगों का यकीन है जब बारिश नहीं होती तो इस लाश को ओपन एयर में ले आते हैं तो अल्लाह ताला बारिश दे देता है तो आपको इलेक्टर मिलता तो आप कहते हैं जनाब फौरन एक वटाजा मजार बनवाओ है हजरत उमर तक जब पहुंचा तो आपने काब अहबार को यहूदी आलिम थे जो बाद में मुसलमान हो गए नबी इस्लाम की जिंदगी में थे लेकिन इस्लाम को बोल नहीं किया इसलिए सियाबी नहीं बाद में तो

अर्दु ला आग नबियों के जिस्मों को नहीं खाती जमीन नबियों के जिस्मों को नहीं खाती और एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया दरिंदे भी नबियों के जिस्मों को नहीं खाते तो यह शेख साहब ने ना उस फुट नोट पर लिखा कि यह हदीस सही है लिहाजा हमारा ये है कि नबियों के जिस्म सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यहां पर मैं बता दूं जिस्म सलामत होने से कोई भी शख्स दुनियावी जिंदगी मुराद ना रहे जिसम सलामत है लेकिन उस जिसम की सलामती सांस के साथ नहीं है आखरत की जिंदगी के साथ है कुरान में है कि शहीद भी जिंदा है लेकिन तुम्हें शौर नहीं ये कहता है, नहीं हमें शौर है हम मांगेंगे भी अल्लाह कहता है तुम्हें शौर नहीं है तो इतनी कहानियां करवाते हैं ये लोगों और ब्रिल्वी उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये तो दुनियावी जिंदगी है कबर में सर अलमोन में उन्होंने लिखा है कि नबी इलास्लाम की जो कबर में जो हयातुल नबी है यह दुनियावी है लफ्ज लिखा है दुनियावी हालांकि वो आखिरत की जिंदगी है उधर दुनिया कहां से आ गई और आला हजरत तो खुले आगे गए मलफूजाते आला हजरत में लिखा है कि सवाल किया कि आप कह रहे हैं वली भी जिंदा है नबी भी जिंदा है तो दोनों की जिंदगी में फर्क क्या है उन्होंने कहा अंबिया की जो जिंदगी है कब्रों में वो बर्जखी तो है लेकिन यह हिस्सी दुनियावी है हिस्सी हिस्सी का मतलब क्या है कि आप किसी को चुटकी काटते हैं तो उसको फील हो और दुनियावी और उन्होंने कहा अगर फिर ना यकीन आए तो हमारे बुजुर्ग तो पहले ही फरमा गए हैं शेख नबियों की की बीवियां उनकी कबरों में उन पे पेश की जाती है उनके साथ शब्बाशी भी करते हैं भले आदू बिल्ल आज हम पेश करते हैं वो वो नहीं जुरानी ने लिखा उन्होंने तो नकल किया तो उन्होंने तो अपने गीते के तौर पे नकल किया उन्होंने तो जुरकानी साहब ने बकवास फरमाया है उनका फरमाते हैं ठीक है तो फजायल आजम शेख जगरी कांदलवी ने फजायल दरूद में फजायल माल का एक चैप्टर है उसमें उन्होंने लिखा है फजायल फ़जान सुन्नत में लियासादरी साहब पापा जानी जो है दावत इस्लामी वाले तबलीगी ने दोनों ने लिखा है कि पाँच सौ पचपन में नबी इस्लाम की वफ़ात के पाँच सौ साल के बाद जब शेख अहमद रफाई कब्रसूल पर हाजिर हुए उन्होंने अरबी में शेर पढ़ा यास जब मैं मिसर में था तो मैं रूह को भेजता था अस्तान अकदस पे हाजरी के लिए को अपनी रूह इस तरह भेज सकता है मुझे बताएं अब जिसमों के मिलाप की बारी आई है तो अपना दस देख दस कबर से बाहर निकालिए मैं उसको बोसा दूँ तो कहते हैं नब्बे हजार लोगों की मौजूदगी में हाथ मुबारक बाहर निकला और शेख रफाई ने बोसा दिया और इनमें शेख अब्दुल कादर जिलानी का नाम नामी भी जिक्र किया जाता है कि वो भी ये मंजर देख रहे थे हालांकि शेख अब्दुल जिलानी को बेचारों को पता भी नहीं होगा मेरे साथ क्या मनसूबे कर दी है मैं कहता हूँ जी बड़ी बदबकती है कि वो मंजर देख रहे थे उन्होंने खुद आदमी चूम लिया एम एंजीन नहीं कर लगा ठीक है और सारे नब्बे नब्बे हजार बदब ने कि नबील इस्लाम का हाथ मुबारक बाहर निकले है तो जालमोत क्यों तो नहीं चुम्हे और हजूर के अखलाक से चीज बहीद है कि आप इस्लाम जो है एक को चुमवा दें और बाकियों को महरूम रखें एक जो बार जो तू जरा बाहर आया सी फिर सार्यान ही जियारत करनी चाहिए थी चुमना चाहिए थी। सब कहानी झूठ है ये हाथ कभी सईदा फातमा के लिए नहीं निकला कभी अम्मा आयशा के लिए नहीं निकला कभी हजरत उम्र के लिए नहीं निकला वो बुखारी में वन जीरो नंबर अदीस दस सौ दस आ रही है इन्ना कुन्ना नही कभी अल्लाह जब तेरे नबी थे हम उनके वसीले से तेरे पास आते थे आज हम तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं वो भी चले जाते कब्रसूल परसूल जब आप दुनियावी जिंदगी में थे तो आप हाथ मार प्याले में रखते थे तो चश्मे जारी होते थे तो आज जो है वो कहत मेरे मेरी इज्जत टेक पे लगी है मेरे दौरे हुकूमत में दौरे खिलाफत के अंदर कहते आ गया तो आप हाथ मुबारक ये मैं प्याला लेके हूँ आप इसमें रखें जी जनाब सही मुस्लिम है कि हजरत उम्र ने एक दफ़ा ये काम करवाया था प्याला दे के और तो नबील इस्लाम ने हाथ रखा एक तो वो दीस बुहारी मुस्लिम में देबिया के मौका पर पंद्रह सौ सह ने एक प्याले से वजू किया और जानवरों को पिलाया और जमा कर लिया और जाबे अब्दुल्ला कहते हैं एक लाख भी हम होते ना तो सबको कफ़ायत करता था तो हज़रतमर ने तो नहीं कहा उनको पता था कि अब हमारी कम्युनिकेशन उस आखिरत की जिंदगी में हजू के साथ नहीं हो सकती